ये कहानी है डेयरी उद्योग में बुलंदियों को छूने वाले तीन भाइयों की। अब आप कहेंगे कि कहानी के इस प्लॉट में खास क्या है, तो हम आपको बता दें कि दरअसल इन तीन भाइयों ने देश के चुनिंदा संस्थानों से न सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, बल्कि कुछ सालों तक नामी गिरामी कंपनियों में नौकरी भी की। लेकिन जब नौकरी में जी नहीं लगा तो खुद का व्यवसाय करने की ठानी और आज ये डेयरी व्यवसाय के शिखर पर हैं। जॉब में उतना मन नहीं लग रहा था तो चले सोचे इंडस्ट्री किया जाए, तो इंडस्ट्री के लिए हम लोग यहाँ पर ज़मीन लिए न्योरी में, और उसके बाद दोनों काम होते रहा, दूध भी गाय भी रखे और ये भी किया। उसके बाद धीरे धीरे हमको सर्विस से अच्छा लगा कि चलो इसी को किया जाए फुल फ्लेज। इंजीनियर भाइयों की इस तिकड़ी ने पहले तो छोटे स्तर पर डेयरी व्यवसाय शुरू किया और जैसे जैसे सफल होते गए इन्होंने इसे विस्तार देना जारी रखा। आज इनकी डेयरी से न केवल करीब 700 लीटर दूध बाजार में पहुंचता है, बल्कि गायों के गोबर से तैयार वर्मी कंपोस्ट से भी ये लाखों कमा रहे हैं। अपना अजय डेयरी करके काउंटर खोले सिंगुर में, और वहीं हम लोग अपना दूध पनीर दही सब उसको हम लोग उपलब्ध कराते हैं। नौकरी छोड़ने या गौ पालन अपनाने का इन्हें कभी मलाल नहीं रहा, बल्कि छोटे भाई अभय की माने तो परिवार को बांध कर रखने में इस सामूहिक व्यवसाय का बड़ा रोल रहा है। हम लोग को तीनों भाई कोई को मलाल नहीं है कि हम सर्विस नहीं कर रहे, चाहे परिवार का कोई सदस्य को भी, सब लोग संतुष्ट है इस काम को लेकर। हम लोग इस व्यवसाय में 20 साल से लगे हुए हैं, 20 साल से तीनों भाई को संतुष्टि है तथा परिवार के हर सदस्य को भी संतुष्टि है कि सर्विस की जगह अपना व्यवसाय किया है। देश में बेरोजगारी और नौकरी के लिए मची आपाधापी के बीच इंजीनियर भाई कहानी दिल को सुकून देने वाली है। इन्होंने इतना तो साबित कर ही दिया है कि नौकरी के अलावे और भी रास्ते हैं जिंदगी को खुशगवार बनाने के। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।